कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि बीएसएमजे निधि क्वासी बैंक के नाम से एक बैंक की शाखाएं कुछ थी जिन्होंने लोगों को ऊंची ब्याज दर पर रिटर्न देने का झांसा देके पैसा जमा करा लिया था और उसके बाद शाखाएं बंद करके और गायब हो गए थे, लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था। इस मामले को गहराई से सीओ ज्ञानपुर के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना ज्ञानपुर की टीम ने इसकी गहराई से जांच की। जब गहराई से जांच की तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि इस बैंक ने अन्य भी कई नामों से फर्जी शाखाएं जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही, यहां पर लगभग 38 शाखाओं की जानकारी अभी तक मिली है जो इन्होंने खोली थी। उसमें से 17 शाखाएं ये लोग बंद कर चुके थे और 21 शाखाएं नई सहित ये संचालित कर रहे थे और उनमें जो इनके पास डाटा मिला है उसके अनुसार हजारों लोगों की जमाएं इन्होंने स्वीकार की थी और उसमें से सैकड़ों फरियादी अभी तक पुलिस से संपर्क कर चुके हैं जिनका पैसा ये लोग वापिस नहीं दे रहे थे। पुलिस ने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जानकारी जब प्राप्त की तो उससे जानकारी हुई कि ये कंपनी फर्जी है और लोगों का ये फर्जी तरीके से पैसा जमा करते हैं। बाद में पता चला कि इनका एक निश्चित स्तर तक पैसा जमा करने के बाद इस पैसे को लेकर भागने का प्लान था। इससे पहले पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुरारी और अशोक जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 2 महंगी गाड़ियां, कुछ इनके बैंक खातों में पैसा फ्रीज किया गया है और इसके अलावा लैपटॉप, प्रिंटर, पासबुक जो फर्जी इन्होंने जारी करी थी वो सामग्री बरामद की है। टोटल कितने के भिजवाड़े हुए हैं? इसमें संभावना है कि जो अभी तक की जानकारी है करोड़ों रुपए का गबन इन्होंने हजारों लोगों का किया है।